गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे मेरे माइके में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। ये ड्रेस पहन लिया है, रेडी हो चुकी हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जाना है चलो दिखाती हूँ, मेरे साथ चलो। तो जी टोटो मिल गए, घर के सामने ही थी तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। धूप बहुत ज़्यादा है, एकदम चिलचिलाती धूप। तैयार होते होते 10 बज ही गए। भाभी ने फ़ोन किया था, जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हैं बोलना ही भूल गई। मैं मायके आकर जिस भाभी से मिलने जाती हूँ, पहले भी आप लोगों को दिखाई है, मेरी अपनी भाभी नहीं है लेकिन अपनी मतलब बहुत ज़्यादा अपनी है। और अभी ये देखो लेडी उम्र हो चुकी है ना बहुत, तो देख कर मुझे बहुत कैसा लगा। टोटो में उठा लिया है हमने, हमारी टोटो में। और बोला धूप बहुत बहुत ज़्यादा है लेकिन एक बार पहुंच जाए तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। आज सारा दिन वहां पे रहेंगे, बहुत सारे गप्पे लड़ाएंगे, वहीं पर ही ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, फिर शाम को आएंगे। और ये देखो पहुंच ही गए हैं, वहां का नज़ारा देख लो। इसी मोहल्ले में रहती है मेरी भाभी और प्रीतम। छतरी खोलते खोलते ही हम उनके घर पहुँच गए। मैं उसे डांट भी रही थी छतरी क्यों लाए, क्योंकि उतरते ही उनका घर है, हमारे सामने ही टोटो भी मिल गया है। और ये है भाभी का नया घर, अपना घर। अभी तो वो ससुराल में रहती है, ये है उनका ससुराल। जेठ नहीं है, वो ही बड़ी है। हाँ, दो देवर है तो देवरानी है, उनके साथ एक साथ ही रहती है और इसलिए सामने एक खुद का भी घर बना रही है। ये रही जी मेरी भाभी, बोल रही है मुझे मत दिखाओ अभी, मैं काम कर रही हूँ, अच्छी नहीं दिख रही हूँ। मतलब बोला ठीक है तुम्हारा काम ही दिखाऊंगी और जब तुम रेडी हो जाओगी तब तुम्हें दिखाऊंगी, खुश? तो बोले हाँ ठीक है चलो। तो जी भाभी देखो खाने की तैयारी कर रही है। घुगनी अभी छौंका लगा देगी, बन जाएगी। और ये कटहल की सब्जी वो भी बॉईल करके रखे हैं, अभी बनाएंगे, सब काट कूट कर रेडी करके रखे। ये है उनकी सासू माँ, बहुत दिनों बाद में मिली तो प्रणाम कर लिया। और देखो उनका जो पूजा घर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ, टिप टॉप एकदम बोल सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये घर, मतलब पूरा घर ही सुंदर है लेकिन जो पूजा घर है वो सचमुच बहुत अच्छा है। और ये है सब भेज खाना उनके सासू माँ के लिए, सुबह सुबह पहले ही बना लिया और साइड कर दिया है। फिर हमारा खाना बन रहा है अलग से। गरम गरम पूरी बन रही है प्रीतम की, तो आज बल्ले बल्ले मुझे भी मन हो रहा है खाने का, मतलब देखकर गरम गरम पूरी रहा नहीं जाता। और ये देखो भाभी एकदम गरम गरम बना के दे रही है ना, सामने ही पहले रखा हुआ तो उतना मतलब मन नहीं करता है, लेकिन अगर सामने गरम गरम कोई तल के दे पूरिया तो इतना खाने का मन करता है। मैं ऐसे थोड़ा सा उपमा खाकर आई, दवाई खाकर, लेकिन खाऊंगी मजे से। ये देखो खाने का मन कर रहा है देखने से। इतनी गर्मी में पूड़िया बोलोगे आप, लेकिन भाभी बना रही है प्यार से तो खा भी लेते हैं प्यार से, है ना। ये देखो प्रीतम नौटंकी कर रहा है, दूसरे समय होता है तो पूड़िया मांगते रहता है नहीं, और अभी मिला है ना तो खाने का उसका मन नहीं। और भाभी चिकन बना रही है कुछ अलग तरीके से, मतलब चिकन को मैरिनेट करके पहले ही रख दिया था, नमक हल्दी थोड़ा सा सरसों का तेल और नींबू डाल के, और अभी प्याज में थोड़ा सा फ्राई कर रही है अलग से, फिर मसाले बनाकर फिर उसमें बनाएंगे।
और ये प्रीतम को टीवी मिल गई। ओए होए मेरा बच्चा, कोई बदमाशी नहीं करेगा, आराम से टीवी देखते रहेगा। अभी देखो पहले फ्राई कर लिया अलग से, अभी मसाले में डालकर भाभी फिर से फ्राई कर रही है, मतलब अच्छे से। और क्या, तो चलो कहीं घुमा के लेकर आती हूँ। यहाँ घूमना है, फिर से घूमना है। ये देखो भाभी का घर, मैंने पहले ही बोला था जब आ रही थी, नया घर बन रहा है तो वही देखने आ गई। हाँ, और ये देखकर मुझे लग रहा है कब मेरा घर बनेगा। हमने तो ज़मीन खरीद रखी है बहुत दिनों पहले ही, लेकिन घर कब बनाएंगे प्रीतम के पापा मुझे पता नहीं। बहुत सारे रूम बनाए हैं, बहुत सारे डिज़ाइन किया गया है, अभी तो फिनिशिंग बाकी है, फिर भी आ गई। अभी कब आना होगा? हाँ, भाभी ने बोला है जब दुर्गा पूजा में आऊँगी। मैं तो इसके बाद दुर्गा पूजा में ही शायद आऊँगी, बीच में आना पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन दुर्गा पूजा में तो ज़रूर आऊँगी। तब वो बोल रही थी कि इस घर में शिफ्ट हो जाएगी और मैं इस घर में आऊँगी जब अगली बार आऊँगी। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई घर देखकर, बहुत ज़्यादा, एकदम एक साथ ही बना रहे। नीचे का ये हिस्सा है जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, नीचे के रूम, बाथरूम, ये सब, और ऊपर तो और भी अच्छी तरीके से बनाया है। चलो ऊपर दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत धूप है जी, बहुत धूप। ऊपर आकर मैंने सोचा क्यों आई मैं, एक दिन में मतलब 5 मिनट में मैं काली हो गई एकदम, और अच्छा नहीं लगता चेहरा ऐसे बिगड़ जाए धूप में घूमकर, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन भाभी का घर देखना है मुझे, इसलिए सहन कर लिया। और ऊपर रूम ज़्यादा है और भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ऐसे होता है, नीचे आप उतना अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन ऊपर बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो डिज़ाइन अलग से। रूम भी ज़्यादा है क्योंकि नीचे जो गैराज है उसके ऊपर और एक रूम बना है। तो जी चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। यह है सामने का हिस्सा, देख लो, बाद में आकर दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप, लेकिन देखना भी था भाभी का घर। अभी तो आधा ही हुआ है, अभी कंप्लीट होना बाकी है। जब फिर आऊंगी मायका तब जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। घर के अंदर चलते हैं, लू बह रही है, लू। तो जी अभी लंच की बारी, भाभी खाना परोस रही है, चावल, भिंडी भा फ्राई, आलू भाजी, और ये है कद्दू की सब्जी डाँटा के साथ, सहजन के डाँटा के साथ, कटहल की सब्जी और दाल आम के साथ, कच्चे आम के साथ मसूर की दाल, चटनी है दो तरीके की, और मछली, सरसों, चिकन। बाप रे कितना आइटम बनाया है भाभी ने, ऐसा ही करती है भाभी, बहुत कुछ बनाती है खाने में। और इनको तो मतलब जैसे भगवान ने 10 हाथ दिए हैं, माँ दुर्गा ही है, सब कर लेती है, सब एकदम परफेक्ट करती है, अकेले सब खाना बनाई है ये देख। और अभी चलो खाने बैठ गई हूँ। कितना सारा खाना बोलोगे आप, सब खाऊंगी बैठकर, भाभी ने प्यार से दिया है तो नहीं खाऊंगी क्या। और ये देखो बड़ा भाजा बोलते हैं हम, मतलब बेसन के नहीं, ये दाल के पकोड़े हैं, बेसन के नहीं, दाल के, और बहुत अच्छा लगा, सब बहुत ही टेस्टी बनी है। भाभी को मैं बोल रही हूँ अच्छी तो बनी है सभी, तुम भी खाने बैठ जाओ हमारे साथ, बोल रही है, पहले दे दूँ सबको फिर खाऊंगी, तो हाय बोल रही है। देखो और क्या जी, शाम हो चुकी है, भाभी को टाटा बाय बाय बोलकर हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम जाएंगे कहाँ, मार्केट जाएंगे, आज सेल का आखिरी दिन है, लास्ट दिन, तो आज तो कुछ खरीदारी कर लूँ, कुछ तो किया ही नहीं, ऑनलाइन बुक किया था वो भी डिलीवरी नहीं देंगे टाइम पर बोल दिया है, तो जा रही हूँ कुछ खरीदारी करने। माँ ने भी पैसा दिया है तो प्रीतम के लिए वो भी ख़रीदना है। लास्ट दिन हमारे यहाँ पर मायके में सीढ़ी में सेल जो मिलता है बहुत ज़बरदस्त। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं इस लास्ट दिन में ही बाज़ार किया करती थी, रुकी रहती थी कि जब मुझे लास्ट दिन में शाम को जाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें कम दाम में मिलते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं सेल करते हैं वो तो आज राखड़ी है वो चीज़ें लेकर कहाँ जाए, इसलिए कम दाम में जो रहता है सब दे देते हैं। और क्या जी, भीड़ तो है लेकिन उतनी भी नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी लेकिन उतनी भी नहीं, लोगों ने शायद खरीद लिया है, अभी बाकी नहीं है, मेरी ही बाकी है, मेरी जैसे कुछ लोगों की शायद बाकी है। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है, आखिरी दिन तो आई हूँ,
ये जी आते ही मिल गई, ये 100 रुपए में बेच रहे। जो जो ड्रेस आप देख रहे हो ये भाई 100 रुपए में बेच रहे हो। ये सफ़ेद वाला चला गया मेरे हाथ से, क्या करे, दूसरों ने खरीद लिया है, लेकिन मैंने भी 4 ड्रेस खरीदा है जी। और यहाँ पर आ गई प्रीतम और मेरे भतीजे के लिए, उनके कपड़े खरीदने के लिए, कल पहनने हैं ना नए कपड़े। तो क्या अभी घर वापस जा रही हूँ, घर जाकर आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। तो जी घर वापस आ गई और क्या, और आज सेल क्या करूँ, बीच में ही पेट दर्द करने लगा, इसलिए ज्यादा घूम नहीं पाई सेल में। और लास्ट दिन का सेल बहुत अच्छा होता है इस सीढ़ी में, मैं जानती हूँ, पहले भी मैंने खरीदा है क्योंकि मैं हूँ ही यहाँ की, और कुछ खाती भी थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई, पेट दर्द। तो घर चली आई जल्दी जल्दी, जो हुआ वही किया है, तो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। चलो ये है मेरे भतीजे के लिए जो मेरी माँ ने दिए हैं पैसे, उसी से खरीदा है, मैं कुछ खरीद नहीं पाई, बोला ना जल्दी कर रहा था प्रीतम, कल देखूंगी। और प्रीतम के लिए 2 खरीदा है, मतलब आप जाओ देख कर खरीदो तभी ना, ऐसे जल्दबाजी में कुछ होता है, लेकिन एक लेना तो ज़रूरी था, कल पहनेगा। भाभी ने भी खरीदा है, फिर भी माँ दे रही है। और ये रही थी राजीव प्रीतम का, 2 टी शर्ट लिया है और 1 पैंट लिया है, कल जो पहने पहने, मैं अभी कुछ नहीं जानती क्योंकि पसंद भी उसने किया है, पहनेगा भी वही पसंद से, जे कौन पहन इसको पहनना है कल। और बहुत ही सॉफ्ट है ये टी शर्ट, बहुत ही अच्छे वाले देख कर लिया है, पैंट भी एकदम कॉटन के लिए है, बच्चा आराम से गर्मी में पहन सके, है ना, वही सबसे ज़रूरी बात। तो चलो हो गया बच्चों का, अभी मेरा धमाका देख लो जो मैंने आज खरीदा है, मुझे कभी ज़िंदगी में इतना अच्छा नहीं मिला है। मैं तो हर वक्त ऐसे ही घात लगा के बैठी रहती हूँ कब कम दाम में मुझे चीज़ें मिल जाए, लेकिन आज जो मिला है वो मुझे कभी नहीं मिला है। ये देखो 100 रुपये में 4 ड्रेस खरीदा है मैंने, एक एक मतलब एक एक का 100 रुपये, 400 रुपये में नहीं, 400 खर्च किया है जो ड्रेस मुझे मिला। ये स्कर्ट देखो कितना खूबसूरत है, उसके साथ ऊपर का ये सेट इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो एकदम जैसे आज पागल ही हो गई, इतना अच्छा ड्रेस 100 रुपये में कौन देता है जी। हाँ ये होता है, यही होता है, घात लगा के बैठे रहो, सेल के लास्ट दिन मिल जाता है अच्छा। और ये ऊपर का कुर्ता और एक ड्रेस, चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों से, बातें कर करके दिखाती, लेकिन क्या करें मेरे बाबा जो है वो टीवी चला कर बैठे हैं, और मैं अपने माँ से बातें कर रही थी उसी बारे में कि प्रीतम क्या किया, मुझे वापस आना पड़ा जल्दी। और ये देखो ये वाला ड्रेस, ये भी 100 रुपये में, ये बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम कॉटन की है। मेरे बाबा तो बोलने लगे, हाँ ऐसा, माँ भी 100 रुपये में मिल गया, और सब मुझे फिटिंग्स आ रही है, मैं सोच रही थी फिटिंग्स आएगी कि नहीं, नहीं फिटिंग्स आ रही है, मुझे टाँकना भी नहीं होगा, सिर्फ हाथ के जगह थोड़ा सा टाँक दो तो हो जाएगा। तो यही बहुत बड़ी बात है, मतलब फिटिंग्स भी हो गया, कम दाम में भी मिल गया, 90-150 में नहीं मिल रहा है, 150 में जो 90 बिक रहा है वो बहुत ही एकदम ख़राब बोल सकते हो, उसके जगह 100 रुपये में मुझे ये सब ड्रेस मिल गए। सोचो ये ब्लैक और ऊपर पीले रंग का जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, काले रंग का भी है सब धागा, लेकिन वो ठीक से कैमरे में दिख नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा, ये भी एकदम कॉटन की है, हाँ इसकी चुनरी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, पैंट है लेकिन मैं लेगिंग्स के साथ ही पहनूंगी, वही कंफर्टेबल होता है। घेर तो देखो इसका घेरा देखो, कितना बड़ा एकदम, मुझे मतलब मैं ज़्यादातर चीज़ें ऐसे खरीदना पसंद करती हूँ कि कंफर्टेबल हुई हो और मैं जब रील्स बनाऊँ तब दिखे भी अच्छा, तो ये दोनों आज एक साथ मिल गया, क्या बात जी। अभी ये ड्रेस देख लो, बैग तो लेकर नहीं गई और उस भाई के पास बैग नहीं था, एक एक को प्लास्टिक के पैकेट में अच्छे से ठूंस दिया। ये देखिए जी ये वाला ड्रेस, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, देख रहे हो इसका घेरा भी बहुत बड़ा है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है, और नीचे का हिस्सा देखो, ऊपर ये शिफॉन की पिंक कलर की एक है अंदर, और 2 लेयर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा,
ये भी एकदम फिटिंग्स हो रहा है मुझे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ के वहाँ पर भी थोड़ा भी टाँकने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा फिटिंग्स हो रहा है। देखते हैं किस दिन पहनेंगे, एक अच्छे वाले दिन पहनेंगे। देख कल भी पहन सकती हूँ, मुझे जब मूड होगा मैं पहन लूँगी। तो कैसा लगा मेरा लास्ट दिन का सेल धमाका, मुझे तो जैसे लॉटरी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चारों ड्रेस इतने कम दाम में देखो सजा हुआ है एक के बाद एक। तो जी चलिए आज का वीडियो मैं पेंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मैं कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ आप रही हो। तो टाटा।